और एक सुंदर कारण हम आप लोग को बता देंगे दुख बनाने वाली आग के बारे में दुख तैयार करने वाली आग तथागत भगवान बुद्ध सब सूत्र में सब मतलब सब कुछ सब कुछ सब सूत्र में बता दिया पुण्यवान भिक्षु मैं आप लोगों को सब कुछ के बारे में बता देंगे ये सब कुछ क्या है तथागत तो भगवान बुद्ध बताया आख आख पे देखने वाले रूप कान कान में सुनाए सुनने वाले शब्द नाक नाक में सुनने वाले गंध तथा जीव जीव से लेने वाले स्वाद तथा शरीर शरीर पर मिलने वाले स्पर्श तथा मन मन में आने वाले विचार ये है सब सब कुछ यही है और नहीं है तो भगवान बुद्ध बताते हैं इससे ज़्यादा और कुछ संसार में नहीं है सब कुछ इस जगह पे है तो भगवान बुद्ध बताते हैं लोक शब्द लोक मतलब हम लोग समझते लोक मतलब दिव्य लोक ब्रह्म लोक मनुष्य लोक इत्यादि लोक 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 समझता है ना हर लोक पे हर जगह पे ये आंतरिक आयतन तथा तो बाहर आयतन है उससे अलावा कुछ नहीं है हर जगह पे आँख है उन लोग आँख से रूप देखते हैं कान है कान से शब्द सुनते हैं नाक है नाक से सुघते हैं जीव है जीव से स्वाद लेते शरीर है शरीर से स्पर्श लेते हैं मन है मन से सोचते हैं हर जगह चाहे ब्रह्म हो देवलोक कहीं भी ये सही है इसलिए लोक कहता है छ इंद्रिया को जहां छ इंद्रिया है वहां लोक है जहाँ छ इंद्रिया नहीं है वहां लोक वहाँ सब कुछ नहीं है ऐसा है तो सारे लोक को पहचान सकता है आंतरिक आयतन से तथा तो बाहर आयतन से उससे बाहर और, और कोई लोक नहीं है इसीलिए तथागत तो भगवान बुद्ध ने बताया ये लोक के बारे में जितना आशा है प्रार्थना है इच्छा है उसको त्याग करिए ऐसा है तो हम लोगों को अपना गांधी को मिटाने के लिए इधर उधर दौड़ना जरूरत है क्या यहाँ है आकनाक जीव शरीर मान अपना पास उसी च इंद्रिया को मिलने वाले रूप शब्द गंदरस, स्पर्श और विचार बाहर से मिलने वाले हैं ये च इंद्रिया और च इंद्रिया के साथ मिल जाता है यही है सब कुछ यही है लोक अगर इसके बारे में हम लोग आसक्त होना छोड़ देंगे तो हम लोग सब कुछ से मुक्त हो जाते हैं इसीलिए तथागत को कहते हैं इसीलिए उनको लोकविदु कहते हैं लोकविदु का मतलब समझ गया है सारे लोक से मुक्त हो गया कहा है लोक कान नाक जीव शरीर मन तथा रूप शब्द गंदरा से स्पर्श विचार किसी लिए हम लोग की आंतरिक आयतन तथा तो बाहर आयतन के बारे में इच्छा त्यागना चाहिए क्यों ऐसे करना चाहिए किस कारण पर त्याग करना चाहिए ये चक आयतन के कारण कठोर का दुख परेशान पीड़ा उत्पन्न कर देता है आग के कारण दुख पीड़ा उत्पन्न हो जाता है कान से नाक के कारण जीव के कारण शरीर के कारण मन के कारण दुख पीड़ा उत्पन्न हो जाता है देखिए आंख से प्रसन्न रूप एक देखने के बाद उसी देखने वाले रूप के कारण उसी रूप को मनन करते करते रह जाएगा तो राग उत्पन्न हो जाता है राग उत्पन्न होने के बाद क्या हो जाता है राग आग जैसा है राग आग से मन जल जाता है शरीर जलने के मन जलने के बाद जरूर शरीर भी जल जा जाता है मन को शांति नहीं तो शरीर को शांति मिलेगा कभी कभी नहीं मिलता है ऐसा है तो हम लोगों को ये आग के कारण हमारा कल्याण होता है या तो फिर हम लोग का घटा हो जाता है ये आग के कारण हमारा कल्याण नहीं होता है कभी नहीं कभी भी नहीं आग के कारण हम लोगों को बहुत बड़ा दुख पीड़ा उत्पन्न हो गया है ऐसा है तो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया जब आग से रूप देखता है प्रसन्न रूप राग उत्पन्न होने वाले रूप देखता है उसी समय हम लोग उसी रूप पे आसक्त हो जाता है राग उत्पन्न हो जाता है अगर उसी समय मर गया तो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया वो व्यक्ति नरक में जन्म लेते हैं राग उत्पन्न होते समय मर गया तो नरक में जन्म लेते हैं ऐसा है तो हम लोगों की आग के कारण कल्याण हो गया क्या बहुत बड़ा दुख पीड़ा घटा हो गया है आग के कारण हम लोगों को कभी सुख शांति नहीं मिला कान के कारण भी वैसे ही आवाज सुनते समय उसी आवाज पे अगर इच्छा राग उत्पन्न हो गया तो उसी समय हम लोग मर जाएगा तो नरक में जन्म लेते कान के कारण हम लोगों को कभी कल्याण नहीं हुआ है नाक के कारण जीभ के कारण वैसे ही शरीर के कारण वैसे ही मन के कारण वैसे ही मन में सोच सोच के रहने वाले विचार पर आसक्त होते हुए उसी विचार को मनन करते रहते समय अगर मर गया तो नरक में ध्यान करते समय मर गया तो चलेगा प्रवचन सुनते समय मर गया तो चलेगा यौनुस स्वीकार करते हुए समय मर गया तो कोई तकलीफ नहीं है लेकिन हमेशा ऐसा रहता है मन कभी कभी राग विचार मनन करते रहता है उस समय मर गया तो नरक में जन्म लेते हैं अगर ये नहीं समझ लेंगे तो बहुत लोग क्या करते हैं आँख को पसंद करते हैं कान को पसंद करते हैं नाक को पसंद करते हैं जीभ को शरीर को तथा मन को भी प्रसन्न करते हैं ये च इंद्रिया बहुत ही प्रिय है प्रसन्न है उसी प्रकार लोग इसी च इंद्रिया को पकड़ के रहता है ये मैं हूँ मेरा है मेरा आत्मा है समझ के अपना दोस्त जैसा समझता है ये छ इंद्रिया को यह छह इंद्रिया के बारे में सोचता है ये मुझे सुख ला के देता है कल्याण कर देता है मेरा, इसीलिए हम ये इसको इज्जत करेंगे उसी प्रकार हम निरंतर आँख से जो दिखता है सारे रूप को देखता है देखे, आवाज सुन के सुनकर स्वाद लेकर स्पर्श लेकर सोचकर राग उत्पन्न हो जाता है राग उत्पन्न होने के कारण कभी कल्याण नहीं होता है मन जल जाता है लोग लेकिन इसी प्रकार कल्याणकारी समझ कर आँख का रूप, आँख का नाक जीव शरीर मन को अपना कर उस पर आसक्त होकर, प्रसन्न होकर पकड़ के रहते हैं इस्तेमाल करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है आँख के कारण नाक के कारण जीव के कारण शरीर के कारण मन के कारण ये राग उत्पन्न हो जाता है और कोई कारण नहीं है ये आँख का नाक जिस शरीर के कारण राग उत्पन्न होने से मन जल जाता है तथा यह छह इंद्रिया के कारण क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है आँख के कारण रूप देखकर करके क्रोध उत्पन्न हो जाता उस समय मर गया तो नरक में चल जाता है कान से आवाज सुनते समय सोच लीजिए कोई डांटता है गाली देता है अपमान करता है उस समय हम लोग क्रोधित हो जाएंगे तो बाय मिस्टेक उस समय हम लोग मर जाएंगे तो नरक में जन्म लेते हैं हम लोग को शरीर में दर्द आता है बुखार हो या ठंडा हो या गर्मी हो कोई भी हो उसी के कारण हम लोग क्रोधित हो जाएंगे तो उस समय मर जाएंगे तो नरक में जन्म लेते हैं मन में विचार सोचता है उसने मुझे गाली दिया ठग लिया लूट लिया क्रोधित हो जाएंगे तो मन उस समय मर गया तो नरक में जन्म लेते हैं ऐसा है तो ये शरीर नाक जीव शरीर मन ये छ इंद्रिया के कारण हमारा कल्याण कभी हुआ नहीं होगा भी नहीं यह छह इंद्रिया के कारण ही हमारे मन भय होते हुए मोहित हो जाता है मोह माया में अटक जाता है अहंकार घमंड में अटक जाता है जब हम लोग भय धर जाता है उस समय मर गया तो देवताओं के पास जन्म लेगा नरक में जब हम लोग ये चय इंदिरा के कारण रूप देख के, आवाज सुन के या सुनकर स्वाद लेकर के शरीर में स्पर्श के मन में विचार आने के कारण हम लोग अहंकार गमंड हो गया तो उस समय मर गया तो कहा जाएगा नरक में जब भी हम लोग कोई चय इंदिरा के कारण मोह माया में कर मोहमाया के कारण मोहित हो जाएगा तो उस समय मरने से कहा जाएगा नरक में ऐसा है तो याद रखिए ये इंद्रिया के कारण कभी भी हम लोगों को कल्याण नहीं हुआ नहीं होता है होगा भी नहीं इसीलिए तथागत ता भगवान बुद्ध जी ने बताया च इंद्रिया के कारण हमारा आ, हर पल हमारा दुर्भाग्य हुआ है घटा हुआ है होगा भी वैसे ही तो हम लोग क्या करना चाहिए छ इंद्रिया के ऊपर जितना इच्छा है प्यार है प्रसन्नता है त्याग करना चाहिए तो सब कुछ यही है छ इंद्रिया है और कहीं नहीं है आप लोग सोचिए हमको शांति चाहिए मंदिर मंदिरों में घूमने का कोई मतलब नहीं देश देशों में घूमने का कोई मतलब नहीं बेकार है पैसा बर्बाद शरीर थकावट इधर उधर दूर जरूरत नहीं यहाँ है शांति मिलने का सब कुछ आँख का नाक जीव शरीर मन छह इंद्रिया बाहर छह इंद्रिया के साथ मिलते समय यानी कि रूप शब्द गंध से स्पर्श विचार से पे मिलते समय राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होगा तो आपके पास शांति है सुकून है सब कुछ है इसलिए आप लोगों को यह छह इंद्रिया को च इंद्रिया पे जितना आसक्तता है वो मिटाकर दुख बनाने वाली आग को बुझाने का भाग्य सबको मिल जाए